संध्या हो गौरी, तुम ही मेरी प्रभात जी। नमस्कार दोस्तों, ये जय बड़ी माँ आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग शिव भगवान व्हाट्सअप स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अलाइक मोशन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको अपने प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट लिखा वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना सॉन्ग है वो पहले ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना सॉन्ग है वो पहले ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना सॉन्ग ऐड कर लूँगा और उसी तरह से आपको भी अपना सॉन्ग है वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इसी तरह से आपके सामने सॉन्ग आ जाएगा। तो इधर से आपको कम से कम यहाँ तक आ जाना है, यहाँ से आपको अपना बीट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक करूँगा तो हमारा बीट रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको जो बीट है उसी तरह से आपको सभी में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से मैंने इधर बीट ऐड कर लिया और उसी तरह से इधर मैं एक बीट और ऐड करूँगा। उसी तरह से पूरे वीडियो में आपको बीट के हिसाब से ही वीडियो रहेगा जो कि आपके बीट के हिसाब से ही चेंजिंग होगा और उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने फ़ोटो है जो जल्दी जल्दी कर देता हूँ और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपका आपका फ़ोटो रहेगा जो बीट के हिसाब से चेंजिंग रहेगा। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इसी तरह से कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर वापस क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना पहला पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपना पोस्ट रहेगा उसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो पहले पोस्ट में इधर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर, वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फुल स्क्रीन कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने पहले वाला पोस्ट को कुछ उसी तरह से थोड़ा आगे की तरह ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना जो एंड तक बीट ऐड हो रहा है वहाँ तक कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने पोस्ट को कुछ उसी तरह से थोड़ा इधर आपको मूव एंड ट्रांस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जाना है और यहाँ से आपको अपने पोस्ट को थोड़ा कुछ उसी तरह से जूम कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से जूम करने के बाद दोस्तों इसे आपको कुछ आगे की तरह उसी तरह से रोटेट कर देना है। तो दोस्तों इस पोस्ट को हम थोड़ा और जूम कर देते हैं और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसे हम थोड़ा आगे की तरफ पोस्ट को कर देते हैं। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर कर लेता हूँ और इसे थोड़ा बैक साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना एक की फ्रॉम का ऑप्शन ऐड कर लेना है जो कि आपका पोस्ट रहेगा वो आपके हिसाब से जो इधर प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना जो पोस्ट है जितना आपको आगे की तरफ लेना है उसी तरह से इधर आपको जो एक ऑप्शन डाल देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इस पोस्ट को यहाँ पर एक की फ्रॉम का ऑप्शन डाल देता हूँ और उसी तरह से इसी पोस्ट को इसी तरह से आगे की तरफ स्लाइड करूँगा और उसी तरह से आपको यहाँ तक आ जाना है और यहाँ से आपको अपने पोस्ट को थोड़ा और स्लाइड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से कर देना है और यहाँ से आपको इधर से आपको बैक आ जाना है। तो दोस्तों देख सकते हो आपको पोस्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से स्लाइड करेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ऐड इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से आपको ब्लर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको पहले वाले ऑप्शन में एक ये प्लस वाला आइकन यूज करना है और उसी तरह से थोड़ा आगे आ जाना है। आगे आने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपको इसे आपको थोड़ा कम ब्लर कर देना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से आपको इसे थोड़ा कम ब्लर कर देना है। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसे आपको बैक साइड और थोड़ा पीछे जाने के बाद दोस्तों इसे आपको बिल्कुल कम कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका पहला पोस्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर आपको दूसरे वाले में आपको एक अलग तरह का इफेक्ट ऐड कर लेना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर दूसरा वाला पोस्ट ऐड कर देता हूँ और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर 3 डॉट पर क्लिक करना है और फुल स्क्रीन कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर आपको जो आपका एक्स्ट्रा फोटो उसे हम कट कर देंगे जो कि देख सकते हो दोस्तों इस एक्स्ट्रा फोटो को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर हम इसे डिलीट कर देते हैं और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर आपको
ये वाला भाग है इसे आपको कट कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इसमें आपको अलग तरह का एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों पहले वाले में आपको उसी तरह से पूरे वीडियो में कर देना है, जो कि पहला वाला इफेक्ट आपको दिखाया वो का वो, और इधर आपको बैक आ जाना है। यहाँ से आपको इधर आपको प्रोजेक्ट है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसी तरह से क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको आपका इफेक्ट रहेगा वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो इधर से आपको ये वाला इफेक्ट को कॉपी कर देना है, और कॉपी करने के लिए दोस्तों इधर से आपको इफेक्ट में जाना है, यहाँ से थ्री डॉट साइड में दिख रहा है उधर करना है, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट लिखा है वहाँ पर क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको जो आपने इफेक्ट ऐड किया वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए बाद में आपको वापस उस पोस्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो आपको फोटो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बनके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों पहले वाले में आपको दिखाया उसी तरह से आपको वो का वो इफेक्ट ऐड करना है। यहाँ से आपको इस इफेक्ट का लिंक मैं दे दूंगा, जो कि आप अपने मोबाइल में आसानी से यूज कर सकते हो। उसी तरह से आपको सब पूरे वीडियो में कर देना है। और दोस्तों इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर देना, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।